छिंदवाड़ा जिले के हर्रई विकासखंड अंतर्गत चट्टी बुढ़ेना पंचायत के ग्राम कारापाठा में एएनएम और सीएचओ को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। पुलिस के दखल के बाद छूट पाई एएनएम। नगर निगम के बाजार ठेके में दुगुनी राशि वसूलने की हुई शिकायत। फुटकर दुकानदारों ने सौंपा निगम कमिश्नर को ज्ञापन। जलाशय की सहायक नदी में फेंकी जा रही मरी हुई मुर्गियां। जलाशय से 24 गांवों में होती है पीने के पानी की आपूर्ति। शिकायतों के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग। पैथोलॉजी लैबों का किया निरीक्षण। थमाया नोटिस। और राष्ट्रीय पोषण माह में हुई कार्यशाला। दिया गया प्रशिक्षण। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा जिले के हर्रई विकासखंड अंतर्गत चट्टी बुटैना पंचायत के ग्राम कारापाठा में एएनएम और सीएचओ को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायत में कोरोना के वैक्सीन लगने के बाद एक महिला की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने एएनएम और सीएचओ को फोन कर बुलाया और जब तक महिला की तबीयत ठीक नहीं हो गई तब तक ग्रामीणों ने उन्हें बंधक बनाकर रखा, जिसके बाद पुलिस के दखल के बाद बंधक महिला स्वास्थ्यकर्मियों को ग्रामीणों ने छोड़ दिया। पीड़ित स्वास्थ्यकर्मी महिलाओं की मदद के लिए स्वास्थ्य विभाग का कोई भी बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। वहीं महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरपंच ने भीड़ को उकसाया था। तो तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? कौन? ठीक है ना जी? ये बैठे हैं मेरे साथ में। क्यों? चलो कपड़ा पहनो तुम भी साथ। हालांकि महिला ठीक है जी, अगर उनको कुछ हुआ तो हम जवाबदार। निगम के अधिकृत बाजार ठेकेदार द्वारा दुकानदारों से अधिक राशि की मांग की शिकायत लेकर फुटकर व्यापारी नगर निगम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि पहले जो बाजार शुल्क 20 रुपए दिए जाते थे अभी भी वही किया जाए। ठेकेदार द्वारा अब 40-50 रुपए लिए जा रहे हैं। भाई साहब, हम लोग 20 रुपए रोज देते हैं टैक्स वाले को, तो अब नए टैक्स वाले 30 और 40-50 रुपए मांग रहे हैं। हम गरीब लोग रोज दुकान लगाते, कहाँ तक देंगे? और वो जो आए वसूली करने तो वो 40 ले रहे हैं और 50 और मतलब 30। तो हम कल पानी भी गला, धंधा नहीं हुआ, फिर भी पास का दिए हाँ, और वजन उठा रहा है, कोई तरीका नहीं है। जो ये है गल्ला बाजार बुधवारी सब्जी की दुकान अभी कल 40-50 लिए, दो दुकान 100 रुपये लिए हमने। सब्जी ठीक ले काका, सब देखते हम कहाँ पे लगाते हैं? इतवारी बाजार में। मोगांव विकासखंड के पालाखेड़ सावरी मार्ग में स्थित दैयत बाबा नदी में अज्ञात तत्वों द्वारा 200 से 300 मृत मुर्गा मुर्गी फेंक दी गई हैं। आपको बता दें कि यह स्थानीय छोटी नदी आगे जाकर सारोड़ जलाशय में जाकर मिलती है। इस जलाशय में 25 से 30 गांव के पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है, जिससे स्थानीय निवासियों में बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इसकी शिकायत भी गुगरेल सरपंच द्वारा सावरी चौकी पर की जा चुकी है और पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया जा चुका है। जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा पैथोलॉजी लैब का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें आस पैथोलॉजी लैब गुलाबरा, केयर पैथोलॉजी लैब परासिया रोड, छिंदवाड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर, षष्ठी माता मंदिर के सामने का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नियमानुसार पैथोलॉजी लैब में कमियां पाए जाने पर पैथोलॉजी लैब के संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया और पाई गई कमियों को पूरा नहीं करने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान बायोवेस्ट मैनेजमेंट के प्रबंधक का समुचन न होना, पैथोलॉजी जांच की निर्धारित दरों का प्रदर्शन न होना और कुछ पैथोलॉजी लैब का पर्याप्त जगह न होना, टेक्नीशियन न होना पाया गया। साथ ही निरीक्षण के दौरान अन्य कई कमियां भी पाई गई, जहां लैब संचालकों को नोटिस जारी किए गए। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 2021 के अंतर्गत जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर दत्तात्रेय भदादे के आदेशानुसार आज पोषण के लिए योग और आयुष का उपयोग का आयोजन जिले के आयुष कार्यालय छिंदवाड़ा के साथ समस्त विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें डॉक्टर नितिन टेकरे, डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के द्वारा कुपोषण से सुपोषण की ओर, गर्भावस्था में रक्तल्प, गर्भ और माता का पोषण, आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा कोविड-19 का प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। अब इसमें सबसे ज्यादा तो कॉमन बीमारी होती है जिसे अनीमिया और रक्तल्पता पांडु है ना, खून की कमी कहा जाता है, वो गर्भवती महिलाओं में होती है। तो एक चीज आप दिमाग में सेट कर लो, हमें भी काम आएगा, दूसरे को भी, कि जो कुपोषण की बीमारी है वो बच्चा पैदा होने के बाद नहीं होती, गर्भावस्था जब महिलाएं धारण करती है उसके पहले से ही संतुलित भोजन देंगी तो बच्चा स्वस्थ होगा। तो गर्भावस्था के दौरान से ही यदि हम सही मात्रा में भोजन देंगे तो बच्चा कुपोषित नहीं होगा और उसी समय हम गड़बड़ हो जाएगा तो बच्चा पोषण नहीं। पूर्व कांग्रेस पार्षद दल द्वारा आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें संबल योजना के लंबित प्रकरण, कर्मकार योजना अंतर्गत विवाह सहायता और मृत सहायता राशि के लंबित प्रकरण, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को ऋण मिल पाने आदि मुद्दे शामिल थे। मैंने मुख्यमंत्री सहायता योजना के बेटी का विवाह किया
और सारे कागज जमा किया। 20 दिन तक पहले तक बोले कि 8 दिन में पैसा बैंक में डल जाएगा। अब 20 दिन के बाद बोलते तुम्हारा नाम पोर्टल से हटा दिया गया करके ऐसा। और मैंने नए कागज बनाने के लिए आवेदन 15 दिन पहले दिया, तब से आज तक वो नया कार्ड भी बना के नहीं दिया गया मेरे को, रसीद भी काट दी गई। जिन हितग्राहियों के कर्म कार्ड वैलिड हैं, जिन हितग्राहियों के सारे कागजात पूरे तो वहाँ पर जमा है, उन लोगों का नाम साजिश पूर्वक पोर्टल से हटा दिया जा रहा है, उनको अपात्र घोषित कर दिया जा रहा है ताकि सरकार को हितग्राहियों को पैसा देना ना पड़े। ऐसे कई मसले हैं जो शायद विवाह सहायता योजना के, आज हमारे साथ हितग्राही भी यहाँ उपस्थित हुए जिनकी पुत्रियों का विवाह हो चुके हैं, लगभग एक एक साल हो चुका है, किंतु आज तक इनको सहायता राशि सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। इनके द्वारा सारी दस्तावेज जो लगते हैं वो कर्मकार कार्ड से लेकर सारी चीज़ें इनके द्वारा जमा की गई, किंतु पोर्टल से इन लोगों को अपात्र घोषित करके योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में आज हम कांग्रेस पार्षद दल हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए। इसी के साथ बुलेटिन वक्त की तरह छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं 32 लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स 32 डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली 32। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड पांडे नर्सिंग होम के सामने छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आज 13 सितंबर को शहर के जागरूक लोगों ने डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, साथ ही डेंगू की जांच किट निशुल्क उपलब्ध कराए जाने की मांग की। साथ ही आरोप लगाए हैं कि निजी पैथोलॉजी लैब द्वारा डेंगू और अन्य जांच का मनमाना शुल्क वसूल कर रहे हैं। लैब संचालकों द्वारा ना तो किसी प्रकार की रेट लिस्ट लगाई गई है, न ही गुणवत्तापूर्ण जांच की जा रही है। डेंगू के दलालों को जूते मारो सालों को, डेंगू के दलालों को जूते मारो सालों को। गर्ल्स कॉलेज में आज छात्र संगठन ने रेशमा खान के नेतृत्व में ज्ञापन सौंप कर मांग रखी कि कोरोना के समय छात्राओं का जो जनरल प्रमोशन हुआ था उसमें छात्राओं की मार्कशीट पर अंक नहीं दिए गए हैं, जिससे उन्हें भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ये छात्रा वही हैं जिनको पिछले वर्ष भी इनका जनरल प्रमोशन मिलने के बावजूद भी फेल कर दिया गया था। फिर उसके बाद हम लोग ने ज्ञापन दिए थे, ज्ञापन के माध्यम से फिर हमारी मांग पूरी हुई थी और ये सभी पास हुई थी। लेकिन चूंकि उस साल वो सेकंड ईयर में थी, लेकिन इस साल वो सभी फाइनल में है, तो फाइनल में भी उनके साथ सेम वैसे ही कंडीशन हुई है। तो हमने यूनिवर्सिटी बात की है तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप प्रचार मैडम के माध्यम से रजिस्ट्रार सर के नाम ज्ञापन बनाइए, जिससे कि जल्द से जल्द आपका रिजल्ट का समाधान होगा। वहीं हमने अभी प्रचार मैडम को भी ज्ञापन दिए। ज्ञापन से बस हमारी यही मांग है कि छात्राओं का सभी का रिजल्ट सुधर के जल्द से जल्द आए, क्योंकि छात्राओं को PGDCE या बड़े बड़े अन्य कॉलेजों में एडमिशन लेना है, लेकिन मार्कशीट न होने के कारण इनको एडमिशन भी नहीं मिल पाएगा। गणेश उत्सव की धूम के साथ ही महालक्ष्मी 3 दिन के लिए विराजमान होती हैं। महाराष्ट्रीयन परिवार द्वारा मनाया जाने वाला पर्व में माँ लक्ष्मी को 3 दिवस के लिए रखा जाता है, साथ ही माता को 56 भोग चढ़ाकर पूजन अर्चन किया जाता है। शहर में भी राष्ट्रीयन परिवारों के द्वारा महालक्ष्मी का स्थापना पूजन किया गया। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अपने सुख संपत्ति परिवार की सुख शांति संपत्ति के लिए खाली जाती है और ये अपने पारंपरिक चालू है। अपने क्या क्या किया जाता है इसमें? पहले दिन उनका आगमन किया जाता है सप्तमी के दिन, और अष्टमी के दिन इनका भोग लगता है, इनको 56 भोग लगाते हैं।
जनार्दन नगर पालिका के वार्ड 12 में विगत 2 महीने से जलभराव के कारण वार्ड में बीमारियां फैल चुकी हैं, जिसमें स्थानीय निवासियों में बीमारियां फैल रही हैं। उक्त वार्ड निवासी दीपा द्वारा एसडीएम मधुवंतराव ध्रुवे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सत्येंद्र शालीमान, नगर पालिका अध्यक्ष, वार्ड पार्षद को ज्ञापन सौंपकर जल निकासी की मांग की गई है। जलभराव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिसके कारण वार्ड में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड आदि बीमारियों के फैलने का खतरा मंडरा रहा है। पानी भरा हो बारिश का, मेरे बेटे को टाइफाइड हो गया है। हमने पार्षद से भी बोले तो कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने सीमो साहब, डीएसपी ये साहब, आज मैंने पूरा ये जमा किया। आज सुबह से मैं दौड़ रही हूँ, मेरी कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। मैं 2 महीने से परेशान हूँ। मेरे घर में पूरा पानी चारों तरफ सीढ़ आ चुकी। गरीब औरत की कोई सुनवाई तो होती नहीं। कोई अधिकारियों का अधिकार होता ना तो आधी रात को यहाँ पे सुनवाई करने आते। आरटीओ निशा चौहान द्वारा आज जिले में बसों पर कार्रवाई की गई और कार्रवाई में वाहनों से जुर्माना वसूला गया, जिसमें पांडुना थाने में 1, राजना चेक पोस्ट से छिंदवाड़ा में 1, परिवहन कार्यालय के अलावा अन्य 12 वाहनों से 10,500 समय शुल्क लिया गया और अन्य धाराओं के तहत 22,500 का जुर्माना किया गया। खबरों के साथ ही गणेश भक्तों के लिए एमएस टीवी लेकर आया है सेल्फी विद गणेशा, जिसमें आप भी अपने घर ऑफिस में विराजित भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ अपनी सेल्फी लेकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9827739333 और 7067350626 पर भेजें। आपकी सेल्फी को हम छिंदवाड़ा के न्यूज बुलेटिन छिंदवाड़ा लाइव में प्रसारित करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।